नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ही भर्ती आई है, ये DSSSB में 11,000 शिक्षकों की भर्ती है। 11,000 बहुत बड़े पद होते हैं दोस्तों, और यदि आपका सी टेट क्लियर है तो आप दोस्तों इसके लिए योग्य है। यदि आपका सी टेट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए और सब्जेक्ट देख लीजिए। TGT हिंदी की देखें दोस्तों, फीमेल की आई है 551 पोस्ट है दोस्तों फीमेल हिंदी की, TGT की। जैसे अपने सेकंड ग्रेड होता है राजस्थान में, वैसे ही वहाँ TGT बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और TGT हिंदी की मेल की आई है 556। तो हिंदी की दोस्तों देख लीजिए, मेल और फीमेल की 1100 पद बहुत होते हैं सेकंड ग्रेड के, 1100 पद। फिर देखिए ये नेचुरल साइंस की मेल की आई है 1040, फीमेल की आई है 824। मैथ की फीमेल की बहुत पद है दोस्तों, 1167 पद है। यदि किसी लड़की का सी टेट प्लस मैथ से BSc है तो 1167 पद है। सैलरी बहुत होती है दोस्तों, यहाँ उछलते हैं सीधे 60,000 से ऊपर। फिर देखिए मैथ मेल की 988, सोशल साइंस स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की मेल की आई है 469 और फीमेल की आई है 662, तो महिलाओं की ज़्यादा है। फिर देखिए बंगाली की आई है 1, प्राइमरी टीचर की 434 आई है, प्राइमरी टीचर की भी अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट जो है टीचर नर्सरी के, उनकी 74, और जूनियर ये LDC की आई है दोस्तों 278, काउंसलर की आई है दोस्तों 50, काउंसलर यानी MA और फिर दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए। फिर देखिए हेड क्लर्क की आई है 12, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की आई है 120 और पटवारी की आई है दोस्तों 10। तो ये दोस्तों वैकेंसी है पूरी की पूरी, पूरा देखिए दोस्तों यहाँ पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है। बाकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है, इसके अंदर आपसे एक तो मांगेंगे सी टेट, बाकी वही अपनी BEd ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। तो 25 तारीख से दोस्तों इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 25 मई से। आप सरकारीनौकरी.com पर जाकर इसकी पूरी डिटेल है वो पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों वैकेंसी है, अच्छी खासी है, आप फॉर्म लगा सकते हैं।